हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सैमसंग S24 Ultra के अंदर आप जो है 8K पर जो वीडियो शूट करते हो उसे आप एडिट कैसे कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं 8K वाला फुटेज लेता हूँ, अब 8K वाला फुटेज लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से इसे मूव कराना पड़ेगा। एंड अभी 8K वाला फुटेज जो है रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 3 एंड 4 सेकेंड यहाँ पे बता रहा है। अब ये जो है ये 8K का फुटेज चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 8K मतलब के Ultra HD से भी बहुत ज़्यादा ऊपर, 4K का डबल 8K। ओके, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, रिकॉर्डिंग में रहना हो चुका है, इतना रिकॉर्डिंग मेरे लिए बस है, बहुत ज्यादा है। अभी इसे एडिटिंग कैसे करना है, अब मान लो आपके पास में पूरा 8K का फुटेज है, 8K के पे आपने शूट कर लिया, लेकिन उसे एडिट कैसे करना है भाई। देखिए, जब तक आप एडिट नहीं करोगे तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे नहीं, एंड अगर आपने वीडियो को एक बार एडिट कर लिया तब जाकर के लोग इसे देखने वाले हैं। लेकिन 8K पे शूटिंग कैसे करते हैं वो आपने देखा, अभी एडिटिंग कैसे करते हैं चलिए वो देखते हैं। देखो, इंपोर्टिंग चल रहा है, अभी 8K का जो फुटेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। अब ये ऐप कौन सा है, तो ये है भाई साहब InShot का एप्लीकेशन, की डिवाइस तो यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट कर जाएगा। आपने यहाँ पे देखा ना कि इस तरीके से जो है 8K वाला शूट जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया, उसके बाद में इसे इम्पोर्ट भी कर लिया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो कि है InShot। अभी आप लोग ये सोचोगे कि 8K वाला फुटेज हमने शूट कर लिया, हमने उसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी लेकर के आए। अब आपके मन में दो क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन, क्या 8K वाला फुटेज हम एडिट कर सकते हैं? आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी इसे इम्पोर्ट कर लिया है मैंने एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जहाँ से ये ऑलरेडी एडिटिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। दूसरा सवाल, क्या हम इसे 8K पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो जी, दूसरे सवाल का आपका जवाब है जी नहीं, क्योंकि 8K पे एक्सपोर्ट करने वाली बात अभी इसके अंदर फिलहाल तो नहीं दी गई है। एक्सपोर्टिंग का सेटिंग्स मैक्सिमम आपको यहाँ पे 4K तक दिया गया है, मतलब कि मैक्सिमम आप 4K तक इसे एक्सपोर्टिंग कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से। ठीक है, अब अगर 8K का सपोर्ट आता है किसी एप्लीकेशन के अंदर तो डेफिनेटली आपको वो बताया जाएगा कि 8K का सपोर्ट इसके अंदर आ चुका है, लेकिन तब तक आप इसे आराम से 8K के अंदर आराम से एडिटिंग कर सकते हो आपके सैमसंग गैलेक्सी S24 Ultra के अंदर। क्या आप 8K वाला फुटेज देखना चाहते हो या पर 8K वाला शूट आप देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए 8K वाला शूट डेफिनेटली आप पर के लेकर के आऊँ।